नमस्कार, मैं अभिषेक, जंतर मंतर लाइव में आपका स्वागत है। आज राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार खत्म हो रहा है, कुछ देर बाकी है। 5 बजे सबकी किस्मत लोगों के दिमाग में सील हो जाएगी और परसों ईवीएम का बटन दबा के लोग ये तय करेंगे कि भाजपा आ रही है, कांग्रेस आ रही है या कोई और आ रहा है। बहरहाल, राजस्थान से एक दिलचस्प कहानी सामने आई है चुनाव के 2 दिन पहले, जो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। एक मुहावरा होता है हिंदी में जिसे कहते हैं जिंदा मक्खी निगल जाना। राजस्थान के एक गांव के लोगों को जिंदा मक्खी निगलने को मजबूर किया गया है, और वो भी 2 दिन पहले। अब 2 दिन बाद चुनाव में कौन कौन सी मक्खी निकलेगा, ये तो बात की कहानी है। लेकिन हम आपको ले चलते हैं अभी झुंझुनू ज़िले में, और झुंझुनू ज़िले के चिड़ावा तहसील की धतरवाला पंचायत में एक गाँव है कुतुबपुरा। उस कुतुबपुरा गांव की कहानी ऐसी है कि आप देखेंगे तो आपका मन खराब हो जाएगा और आप कहेंगे कि इस सरकार को शायद हम कभी वोट न दें। अब ये देखिए, मक्खियों ने किया जीना हराम। मैं कुतुबपुरा से बोल रहा हूँ। धरना देने वाले सभी व्यक्तियों ने, जिनमें काफ़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी और पुरुष बच्चे सभी थे, सब ने एक स्वर से एक ही मांग रखी कि जब तक मुर्गा फार्म बंद नहीं होगा धरना नहीं उठेगा। धरना इसी पीरियड में यहाँ आमरण अनशन होगा और आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। आप रे, ये समस्या है कि पहली बात तो खाना वाना बनाते हैं, इसके अंदर जो ये कीटाणु पड़ जाते हैं, मक्खी बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती हैं जी। दूसरी बात ये है कि दूध और चाय वगैरह बनाते हैं, खाने पीने के लिए जो भी खाना बनाते हैं उनमें सारा जहर फैल जाता है जी। तीसरी बात यह है कि जो भी हमारे खून के माँ इन्फेक्शन ऐसे हो रहा है कि इन मक्खियों से जो खा करके खुजली और खाजे बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत बीमारी बढ़ रही है इसका मतलब। जी हाँ, पशुओं के खुरों में ये जहरीले कीड़े हो गए तो उनके इतनी दवाइयाँ लगाई है तो भी उनका आराम नहीं हुआ जी। बच्चा ने सोन कौन दे। अच्छा अच्छा, छोटा बच्चा ने बिल्कुल नहीं सोन दी। अच्छा जी, और 2 मिनट कहीं बैठ जाए तो वह मक्खी नोच के खा जाए तो मक्खियों के कारण परेशान हो गया। इतनी मक्खी कदे देखेड़ी को नहीं। दरअसल कुतुबपुरा में कहा जा रहा है कि एशिया के सबसे बड़ी पोल्ट्री फार्म एक लगाई गई है। अब ये कितना भी बड़ा है मालूम नहीं, लेकिन 100 बीघे में एक पोल्ट्री फार्म लगा है जहां तकरीबन 15 लाख मुर्गे मुर्गियां हैं। फार्म का नाम है नीतू मुर्गी फार्म जींद हरियाणा। मसला मुर्गी का नहीं है, मसला लोगों की ज़िंदगी का है। कैसे? ये 15 लाख मुर्गियाँ जहाँ पर रहती हैं वहाँ पर रोज़ाना सैकड़ों मुर्गियों की मौत होती है, उनकी लीद निकलती है वो भी कई टन होती है, मुर्गियां जलाई जाती हैं, मुर्गियों में जो कीड़ा आ जाता है, वायरस आ जाता है तो उन्हें ज़िंदा जलाया जाता है। अब आप सोचिए कि एक गांव के भीतर 15 लाख मुर्गियां हों और वहां 2200 वोटर हों तो उस गांव की हालत क्या होगी। आप तस्वीरों में देखिए, यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां मक्खियां ही मक्खियां, दूध में, बिस्तर में, लोग बोल रहे हैं तो उनके मुंह के अंदर मक्खियां आ जा रही हैं, लोग जिंदा निगल रहे हैं मक्खियों को। राजस्थान के झुंझुनू के गांव में लोगों ने कहा है कि अब हम इन मक्खियों को जिंदा नहीं निकलेंगे। 1 महीना होने को आ रहा है, 8 नवंबर को वो लोग धरने पर बैठे थे, इन्होंने मिलके एक किसान सभा के तहत छोटी सी कमेटी बनाई है और ये धरना दे रहे हैं। 7 तारीख को 1 महीना पूरा हो जाएगा और 2200 वोटरों का कहना है कि हम तब तक वोट नहीं देंगे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे जब तक हमारे गांव से इन मुर्गियों मक्खियों का इलाज ना हो जाए, परमानेंट ये पोल्ट्री फार्म हट ना जाए। क्यों? क्योंकि इस गांव के 4 बुजुर्गों की मौत हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इस गांव के 50 से 60 मवेशियों की मौत हो चुकी है। मेरी बात अभी कुछ देर पहले मदन जी से हो रही थी, मदन जी वहाँ उस गाँव के निवासी हैं, वो बता रहे थे कि साहब ऐसा है कि जितने भी नेता हमारे पास आए, भाजपा के या कांग्रेस के या किसी और दल के, हमने बहुत क्लियर कट कहा, लोगों की चेतना इतनी विकसित हो गई है कि हमने कह दिया उनसे कि हम इस बार चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, एक एक मक्खी का हिसाब लिया जाएगा, एक एक मक्खी का हिसाब। आप देखिए तस्वीरों को और सोचिए कि जिस गांव में उठते बैठते सोते खाते पीते केवल मक्खियां दिखाई दें, वहां पे इंसानों की औकात क्या है। और मेरे घर की ये हालत है, जब भी दूध निकालते तो अब मक्खियों को आप देखो, इस बाल्टी में इतनी मक्खियाँ हैं, ये जीना हराम कर रखा हमारा।
ऐसा हराम कर रखा है कि लोग जमीन घर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। पहले से 3-4 व्यक्ति खत्म हो गए इस बीमारी, मक्खियों की बीमारियों से, और एक आदमी फिलहाल वर्तमान में दिल्ली भर्ती है जो कभी जिंदगी में जुकाम तक नहीं लगी, उसके फेफड़ा इन्फेक्शन हो रहा है मक्खियों की वजह से। 50-60 पशु मर गए इस वजह से। आखिर में लोगों मजबूर होकर के धरना देना पड़ा। इस तरह के हालात यहाँ पैदा हो गए हैं कि यहाँ लोगों का रहना दूभर हो गया है, और नज़दीक एरिया में काफ़ी सारे जो गांव हैं वहाँ लोग घरों में बैठ नहीं सकते, इतनी ज़्यादा मक्खियाँ पैदा हो गई हैं। इसको लेकर जो धरना चल रहा है, प्रशासन भी लगातार आ रहा है, लेकिन इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि ये लोग पैसे वाले लोग हैं। प्रशासन जो है उसका इस ओर कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पर अवैध तरीके से बोरवेल चल रहे हैं, 24 आवर्स जो इलेक्ट्रिक लाइन डाल रखी है, किसी प्रकार से लीगल रूप में इनका कोई कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें जमीन में क्या दर्शाया हुआ है? यहाँ पर ये पट जमीन है, पड़तल में बताई हुई है, और इसका किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, न इंडस्ट्रियल यूज के लिए कोई ऐसे कागजात तैयार किए हैं। प्रशासन की मिली भगत से ये सब कुछ हो रहा है। ये मामला बहुत गंभीर है, चुनाव आने वाला है, सिर पर है, और महामारी फैल रही है एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव। धतरवाला पूरी पंचायत उस पोल्ट्री फार्म से तबाह है, और परसों का दिन ये तय करेगा कि ये 2200 वोट जो कट रहे हैं ये आगे इस पोल्ट्री फार्म की किस्मत कैसे तय करेंगे, और इस गांव के लोग जिंदा रह पाएंगे या नहीं।